नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक डेट से वाकिफ कराना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि ये जो बोर्ड पे आप 22 नवंबर देख रहे हैं, ये दिन बहुत खास हो जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। दोस्तों, कुछ महीने पहले आप जानते होंगे कि इस डेट को बतलाया गया था कि जो एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है, यानी उम्र में छूट को लेकर के जो मामला कोर्ट में गया हुआ था, हाई कोर्ट में गया था प्रदेश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है, जिस पर की सुनवाई होनी है, 22 नवंबर का जो दिन था, ये दिन सुनवाई के लिए रखा गया था। ठीक है, इस पे सरकार का पक्ष तो बहुत पहले ही ले लिया गया होगा, लेकिन इस पर जो सुनवाई होना है वो 22 नवंबर के दिन होना है, यानी कि इसी 22 नवंबर को, और गिने चुने 4 से 5 दिन रह गए। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है, ना सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको उम्र में छूट चाहिए, बल्कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के भी। आप देखे होंगे कि जब से ये मुद्दा कोर्ट में गया है, तब से जो है भर्ती के संबंध में कोई ठोस या फिर कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो हमारी भर्ती बोर्ड है वो भी इसी डेट का इंतजार कर रही हो कि पहले इस डेट को जो कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई आना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वैकेंसी निकालेगा तो उसमें एक एज क्राइटेरिया भी निकालनी पड़ती है। एज क्राइटेरिया के बारे में बताना पड़ता है कि 18 से इतने वर्ष के बच्चे जो है भरेंगे। तो ये एज क्राइटेरिया तो तभी क्लियर होगा जब ये क्लियर होगा कोर्ट की तरफ से कि एज रिलैक्सेशन दिया जाना या नहीं दिया जाना है, क्योंकि जो उम्र में छूट को लेकर के बच्चे कोर्ट में ऑलरेडी जो है कि उन्होंने याचिका दाखिल कर दिया था, इस पर के सरकार का पक्ष भी 1 महीने में लिया जाना था, वो भी ले लिया गया होगा। 22 नवंबर को अब सुनवाई होगा और उसके बाद उम्मीद है कि आप लोग के लिए एक अच्छी खबर निकल सकती है। अच्छी खबर मतलब भर्ती संबंध की, भर्ती का विज्ञापन कब निकल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे हैं ये सोच रहे हैं कि भर्ती जो है कि आने की उम्मीद नहीं है, या फिर भर्ती के नाम से ही अब तो बच्चों में गुस्सा होने लगा है। मतलब कि अगर आप देखें यूट्यूब पे, अगर एक वीडियो भी अगर कोई अपलोड करता है यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड, तो वहां पे बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा जो है कि गुस्सा हो रहे हैं, या फिर ये कह लें अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं वहां पे। और जाहिर सी बात है, ये ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जिस तरीके से बच्चों के जिंदगी के साथ, कैरियर के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है, वो रीजन चाहे जो भी हो, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आखिर बच्चों का जो समय है वो तो बर्बाद हुआ ही है। और इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, आखिर बच्चों को रोजगार चाहिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वैकेंसी ना आने की वजह से उनका समय वेस्ट जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ओवर एज हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो तैयारी कर करके जो है डिमोटिवेट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन अपना जो है कि निकालते हैं, फिर वही बच्चे किसी के वीडियो में, या फिर और देखें अगर किसी चैनल वाले की बात सही हो गई या फिर गलत हो गई, तो आप पाएंगे कि किसी भी चैनल वाले की बातें जो है कि वो सही नहीं हुई है। कोई भी चैनल वाला जो है कि अगर आप उठा लें, बड़े से बड़े चैनल, मैं 10 मिलियन 11 मिलियन चैनल वालों की भी बात कर रहा हूं, कि किसी का भी जो भर्ती के संबंध में जो जानकारी था, जो अपडेट था कि भाई विज्ञापन तो वो लोग भी बहुत पहले निकाल रहे थे, बड़े बड़े चैनल भी, लेकिन ऐसा देखिए आपको कोई गलत जानकारी नहीं देना चाहता, लेकिन चूंकि जो उन तक जो खबर पहुंचती है वही आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये जो 22 नवंबर है ये भर्ती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन सुनवाई होगा तो हो सकता है कि उसके अगले दिन यानी कि 23 नवंबर को आपको अखबार में देखने को प्राप्त हो जाए कि जो एज रिलैक्सेशन है उस पर आखिर हाई कोर्ट ने क्या कहा, उनका अंतिम निर्णय है ये, उसके बाद आपका विज्ञापन बहुत जल्द निकाला जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल इस संशय में आप न रहें कि जो है कि भर्ती नहीं निकलेगा, भर्ती आपकी आएगी और बहुत जल्द आएगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य ले, थोड़ा सा पेशेंस से काम ले दोस्तों। पेशेंस से काम का मतलब कि आप ज्यादा भर्ती के बारे में मत सोचिए, आप केवल और केवल अपनी तैयारी करते रहिए, आपको बहुत जल्द भर्ती के संबंध में एक अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर एक होप, एक आशा जगी होगी वैकेंसी को लेकर के। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं उनके अंदर एक मोटिवेशन आया होगा, और दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि आप हमेशा मोटिवेट रहें, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो समय है और ये जो वैकेंसी है, अगर एक बार निकल गया तो फिर
चीजें बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, तो इसलिए आप जो है वैकेंसी के इंतजार में रहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि पढ़ाई बिल्कुल स्टॉप करके रखिए, पढ़ते रहिए। और हमारा जो चैनल है प्रभु यूपीपी हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर ले, वहां पे आपको जो है हिंदी की क्लासेस मिलती रहेंगी। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।